भारतीय क्रिकेट टीम वेस्टइंडीज में सीनियर खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी में वनडे सीरीज खेल रही है। अनुभवी शिखर धवन को इस सीरीज के लिए कप्तान बनाया गया है। पहले मुकाबले में कप्तान ने 97 रन की पारी खेली और भारत ने 7 विकेट पर 308 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया। इसके जवाब में विंडीज टीम 6 विकेट पर 305 रन बना पाई और रोमांचक मुकाबले में आखिरी ओवर में भारत को 3 रनों से जीत मिली। इसके बावजूद भी जडेजा ने धवन को टीम का कप्तान बनाए जाने को लेकर हैरानी जताई है। 99 गेंद पर 10 चौके और 3 छक्के की मदद से धवन ने 97 रन की पारी खेली। फिर भी जडेजा ने ये सवाल खड़ा किया है कि आखिर वो यहाँ क्या कर रहे हैं। विंडीज के खिलाफ धवन से जडेजा को और भी ज्यादा आक्रामक पारी की उम्मीद थी। उन्होंने तो ये तक भी कहा कि कभी धवन को बाहर कर दिया जाता है और फिर कप्तान बनाने का फैसला लिया जाता है। ये बात उन्हें बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रही है। जडेजा ने आखिर ऐसा क्यों कहा, तो चलिए आपको बताते हैं। जडेजा बोले, अगर आपको किसी और की कमजोरी गेंदबाजी आक्रमण के सामने खेलने का मौका मिलता है तो फिर इससे बेहतर और क्या हो सकता है। मैं शिखर धवन को लेकर पूरी तरह से कंफ्यूज हूँ कि आखिर यहाँ वो कर क्या रहे हैं। 6 महीने पहले उनको टीम से बाहर निकाल दिया था और अब टीम का कप्तान बनाकर उन्हें मैदान पर उतारा गया है। उन्होंने ये मैनेजमेंट पर सवाल उठाए कि आखिर ये लोग सोच क्या रहे हैं और अगर जो वो भारत की नई सोच का हिस्सा है तो कप्तान रोहित शर्मा ने कहा था कि वो आक्रमण क्रिकेट खेलने वाला है। मुझे तो नहीं लगता कि धवन किसी भी तरह से इस एक जीत का हिस्सा है। यहाँ पर आपको क्लियर कर दें कि ये सारी बातें रविंद्र जडेजा ने नहीं बल्कि भारतीय टीम के पूर्व कप्तान अजय जडेजा ने शिखर धवन को लेकर कही है, क्योंकि शिखर धवन को कई बार ऐसा हो चुका है कि उन्हें या तो रेस्ट दिया जाता है या फिर उन्हें टीम से बाहर निकाल दिया जाता है, लेकिन अब उन्हें जब मैदान पर एक कप्तान के तौर पर भेजा गया है तो ऐसे में उन्हें ये बात हजम नहीं हो रही है, क्योंकि अजय जडेजा का कहना है कि शिखर धवन एक बहुत ही शानदार खिलाड़ी है, उनका खेल बेहद ही अच्छा है, उन्हें ऐसे में बार बार टीम से बाहर निकालना उनके करियर के लिए सही नहीं है। अगर आप भी अजय जडेजा की बात से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।